नमस्कार दोस्तों, एम के नर्सिंग क्रिकेट में देख रहे हैं और आपके साथ मैं महेश कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार सीएचओ की। बिहार सीएचओ का रिजल्ट आ चुका है और इसकी पूरी प्रोसेस के बाद हम बात करेंगे कि कितना कट ऑफ फ्री है और कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और क्या आगे प्रोसेस रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हो कि मैं बिहार सीएचओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और ये एडवर्टाइजमेंट आज ही जारी हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो अपन एक एक यहाँ पर एक एक नोटिफिकेशन को देखने वाला। पहले ये देख लेते हैं कि किनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का लिस्ट है ये, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने मांगी है। आप अपना इसमें नाम चेक कर सकते हैं। इसमें 38 पेज की ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप अपना नाम देख सकते हैं। फर्स्ट में इसमें नाम राज जाटव, उसके फादर नेम, इसकी डेट ऑफ बर्थ। आप अपना नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है, 38 पेज की लिस्ट है ये। आप अपना नाम इसमें चेक कर सकते हो। तो ये काफ़ी लंबी कैंडिडेट की लिस्ट है और आप सभी जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आगे की जो भी प्रोसेस रहती है उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको देते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे की प्रोसेस में हम देखते हैं कि क्या इन्होंने बताया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने बताया है अपन इसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस की रिगार्डिंग है, उसको बाद में देखेंगे। पहले अपन जो मेन इंफॉर्मेशंस है वो देखते हैं। तो ये लिस्ट आप देख सकते हो, पीडीएफ जो कि बिहार सीएचओ की तरफ से निकाली गई है। 6 मंथ सर्टिफिकेट इन सीसीएच के लिए जो जीएनएम एंड बीएससी को एलिजिबल माना है। ठीक है, तो ये दो फेज में इसका एग्ज़ाम हुआ था 27 तारीख को, उसके रिगार्डिंग ये रिज़ल्ट जारी हुआ है। ठीक है, और इनके लिए जो जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, क्वालिफाइड हुआ है, इसमें इन्होंने बताया कि जिन कैंडिडेट के 30 या उससे अधिक नंबर आए हैं उनको इन्होंने एक क्वालिफाइड माना है। ठीक है, और देखते हैं अपन कि इसके आधार पर जो BRCHO पर प्रकाशित कर दिया गया है उक्त पद के लिए अंकित अनुपात, जो अनुपात इन्होंने बताया 1:2 का अनुपात, उस हिसाब से क्वालिफाई स्टूडेंट का काउंसलिंग किया जाना है। और ये प्रमाण पत्र सत्य उपरांत अंतिम मेधा सूची तथा चयन सूची का प्रसारित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक लास्ट लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आपको फाइनल लिस्ट होगी वो। ठीक है, तो अभी जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है उसके रिगार्डिंग इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक शेड्यूल जारी किया है, वो शेड्यूल देखते हैं अपन। पहले शेड्यूल है अपने 16 तारीख को 10 बजे 1 बजे 129 स्टूडेंट को बुलाया है। फिर उसके बाद 2 से 5 जो टाइमिंग रहेगा उसमें 130 और 258 जिन लिस्ट अभी हमने दिखाई थी 38 पेज की, उसमें आपका नाम देख लेना आप कि कौन से नंबर से कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो इस हिसाब से 17 तारीख 18 तारीख 19 तारीख। लोकेशंस कहाँ पर करना है, तो राज स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान शेखपुरा पटना में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ये इन्होंने अपने SI नंबर यानी कि सीरियल नंबर इन्होंने जारी किया है। इसके रिगार्डिंग क्या निर्देश इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान रखने हैं वो ज़रूरी है। फर्स्ट चरण में आने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन जो है वो 9:30 आफ्टर आने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 1:30 बजे से किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन कि क्वालिफाइड स्टूडेंट सभी जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बताया कि क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेके जाने हैं, तो उसमें आपको 2 रंगीन पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो ले जाना है, अपना एडमिट कार्ड जो आपको ले गए थे वो ले जाना है। इसके अलावा अपना पहचान पत्र के रूप में आप मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र के रूप में आपको आपकी जो भी मार्कशीट है 10th की जिसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ वो ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है। और इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये है कि कैंडिडेट का जो है इंडियन नेशनल
इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, और लेकिन जैसे आपकी फाइनल लिस्ट आएगी तो उसके बाद जो अंतिम वेरिफिकेशन रहेगा उसमें आपको बिहार CHO से रजिस्ट्रेशन, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन से होना बहुत अनिवार्य है जब आप ज्वाइनिंग करोगे CHO के तहत, ठीक है। तो ये कुछ है जो कैंडिडेट बिहार के बाहर से है उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, एंड जो कैंडिडेट बिहार का है उसको SC ST का लाभ मिलेगा यहाँ पर। तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी हमने आपने इसको वीडियो में बताए। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।